नमस्कार दोस्तों, 60% पूरी हो चुकी है किच्चा सुदीप की फिल्म की शूटिंग। किच्चा सुदीप सैंडलवुड में सबसे बड़े सितारों में से एक है और अन्य फिल्म उद्योगों में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा अधिक है। उन्होंने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अभिनय किया है। सुदीप ने सुनील कुमार देसाई के तहत 2000 में फिल्म स्पर्श से अपने करियर की शुरुआत की। जी स्टूडियोज की फिल्म पहलवान का कुछ दिन पहले पोस्टर रिलीज हुआ था, उसके बाद गाने रिलीज हुए और जो दर्शकों का रिस्पॉन्स था वो अमेजिंग था। ये फिल्म हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु और मलयालम 5 भाषाओं में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म में कन्नड़ा सुपरस्टार सुदीप के साथ बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी भी नजर आएंगे। सुपर स्टाइल एक्शन के साथ एक देसी परिवार का मनोरंजन कॉमेडी और हाई ड्रामा फिल्म के लिए सुदीप और एस कृष्णा की सुपरहिट अभिनेता निर्देशक की जोड़ी एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर सफलता के बाद दूसरी बार साथ में आए हैं। किच्चा सुदीप ने अपनी अपकमिंग फिल्म पहलवान के पहले टीजर के कारण काफी ज्यादा चर्चा में आ गई थी। ये फिल्म, इसका टीजर वायरल हो गया था और सभी लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की थी। फैंस ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि पहलवान KGF को पछाड़ने के लिए अगली बड़ी हिट साबित हो सकती है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान उन हस्तियों में से हैं जिनको पहलवान का टीजर देखने के लिए सुदीप की काफी तारीफ उन्होंने की। सुदीप सलमान की दोस्ती काफी अच्छी है, तभी तो सुदीप दबंग 3 में अभिनय के लिए तुरंत तैयार हो गए। सुदीप सलमान खान की दोस्ती की खातिर साथ में दोनों दो दो हाथ करते हुए नजर आने वाले हैं। लोगों को पर्दे पर सलमान सुदीप की टक्कर देखने के लिए लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं। फिल्म के पहले फेज की शूटिंग शुरू हो चुकी है। इन दोनों एक्टर्स ने साथ में कुछ एक्शन सीन्स भी शूट कर लिए हैं। मजेदार बात यह है कि मूवी में भले ही दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं पर रियल लाइफ में इनकी दोस्ती बहुत गहरी है। इसी बीच दबंग 3 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। फिल्म के प्रोड्यूसर और सलमान के भाई अरबाज खान का कहना है कि अब तक 60% जो शूटिंग है फिल्म की वो पूरी हो गई है। अरबाज ने हाल ही में मीडिया से इंटरेक्ट किया और उन्होंने इस बात की जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने फिल्म से जुड़ी कई सारी बातें भी शेयर की। इस फिल्म में सलमान और सोनाक्षी के अलावा साउथ के जाने माने स्टार किच्चा सुदीप नजर आएंगे। सुदीप इस फिल्म में बतौर विलन के रूप में नजर आएंगे और फिल्म का निर्देशन प्रभु देवा कर रहे हैं। और अरबाज को इस बात की खुशी है कि वे जिस तरह से तीसरे पार्ट को बनाना चाहते थे ठीक उसी तरीके से चीजों को किया जा रहा है। फिल्म के बारे में बात करते हुए अरबाज ने कहा कि हमारे पास इस फिल्म से एक लंबा शेड्यूल है। हमने 60% शूटिंग जो है वो पूरी कर ली है। सितंबर तक हम इस फिल्म की शूटिंग पूरी खत्म कर लेंगे। अरबाज ने आगे कहा कि मैं फिल्म के रिलीज को लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। हम सभी ने इस फिल्म को बनाते हुए काफी मस्ती भी की। लोगों ने मुझे बताया कि उन्हें इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है। मुझे पता है कि लोगों को ये फ्रेंचाइजी पसंद है। उन्हें चुलबुल पांडे का किरदार पसंद है। अगर लोग एक्साइटेड नहीं होते तो मेरे लिए परेशानी की बात होती। सलमान खान स्टारर ये फिल्म 20 दिसंबर 2019 को सिनेमाज में दस्तक देगी। बता दें कि सलमान खान की फैन ऑडियंस दबंग 3 को लेकर एक्साइटेड है क्योंकि इसमें किच्चा सुदीप है, यानी कि कन्नड़ा सुपरस्टार किच्चा सुदीप। एक अच्छा रोल मिला है और एक एक्साइटमेंट के साथ हम दोनों सुपरस्टार को यहाँ पर लड़ते हुए देखेंगे। यहाँ पर सलमान खान तो कम नहीं है, लेकिन हमारे किच्चा सुदीप भी कम नहीं है। उनको दो दो हाथ करने में अच्छा मुकाबला, अच्छी टक्कर आपको देखने को मिलेगी। दबंग 3 से पहले किच्चा सुदीप की फिल्म पहलवान रिलीज हो जाएगी। फिल्म का जो गाना है देखो आया पहलवान और एक और गाना था कनमनी, ये रिलीज हो चुका है। इन दोनों गानों को अमेजिंग प्यार मिला, अमेजिंग सपोर्ट मिला है। अगर आप भी किच्चा सुदीप की इस फिल्म का बेसब्री से वेट कर रहे हैं और सलमान खान के आगे आप भी चाहते हैं कि सलमान खान फीके पड़ जाए उनके सामने और अच्छी टक्कर दें, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।